welcome back to my channel. My name is arshiyamariya. Aur guys, abhi main bahut long time ke baad ek video dekhi. So aaj sabse pehle main sabhi ko happy birthday bola chahti hu, because aaj hai mother's day. So guys, sabke mom ko happy mother's day. Aur guys, aaj hum kuch is wale vlog mein aaj hum kuch dikhayenge ki humne kaise celebrate kiya. और हम थोड़े से आपको कार्ड्स और गिफ्ट्स के आइडिया देंगे और थोड़े से टिकट्स के आइडिया देंगे. सो अभी मैं थोड़ी धीरे से बात कर रही हूँ बिकॉज आपको धीरे सुनाई देता होगा, बिकॉज मैं थोड़ा दब चुका है. यू कैन सी, पर डोंट वरी गाइस, अभी हर हफ्ते वीडियो आती रहेगी, हर हफ्ते आई प्रोमिस गाइस. सो लेट्स गो, हम देखते हैं हम क्या बना रहे हैं. सो सबसे पहले गाइस, तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, अभी मैं जा रही हूँ कार्ड्स बनाने. सो मैं दिखाती हूँ कि कार्ड्स कैसे बना सकते हो. ओके, सो इसको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज आर्शिया. और गाइस, अभी मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद एक वीडियो देखी. सो आज सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आज है मदर्स डे. गाइस, सबके मॉम को हैप्पी मदर्स डे. और गाइस, आज हम कुछ इस वाले ब्लॉग में आज हम कुछ दिखाएंगे कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया, और हम थोड़े से आपको कार्ड्स और गिफ्ट्स के आइडिया देंगे और थोड़े से टिकट्स के आइडिया देंगे. सो अभी मैं थोड़ी धीरे से बात कर रही हूँ बिकॉज आपको धीरे सुनाई देता होगा, बिकॉज मैं थोड़ा दब चुका है. यू कैन सी, पर डोंट वरी गाइस, अभी हर हफ्ते वीडियो आती रहेगी, हर हफ्ते आई प्रोमिस गाइस. सो लेट्स गो, हम देखते हैं हम क्या बना रहे हैं. सो सबसे पहले गाइस, तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, अभी मैं जा रही हूँ कार्ड्स बनाने. सो मैं दिखाती हूँ कि कार्ड्स कैसे बना सकते हो. ओके, सो इसको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज आर्शिया. और गाइस, अभी मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद एक वीडियो देखी. सो आज सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आज है मदर्स डे. गाइस, सबके मॉम को हैप्पी मदर्स डे. और गाइस, आज हम कुछ इस वाले ब्लॉग में आज हम कुछ दिखाएंगे कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया, और हम थोड़े से आपको कार्ड्स और गिफ्ट्स के आइडिया देंगे और थोड़े से टिकट्स के आइडिया देंगे. सो अभी मैं थोड़ी धीरे से बात कर रही हूँ बिकॉज आपको धीरे सुनाई देता होगा, बिकॉज मैं थोड़ा दब चुका है. यू कैन सी, पर डोंट वरी गाइस, अभी हर हफ्ते वीडियो आती रहेगी, हर हफ्ते आई प्रोमिस गाइस. सो लेट्स गो, हम देखते हैं हम क्या बना रहे हैं. सो सबसे पहले गाइस, तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, अभी मैं जा रही हूँ कार्ड्स बनाने. सो मैं दिखाती हूँ कि कार्ड्स कैसे बना सकते हो. ओके, सो लेट्स गो. मैंने कुछ पीपल्स ले लिए जिसमें मैंने कट कर लिया. तो अभी मुझे ना इन फटो हुए इन पेपर्स से मुझे क्या करना है, मुझे इन पेपर्स की तरह और मुझे पेपर्स काटने भी पड़ा. हमारा बस इतने में काम नहीं चलने वाले, और थोड़ा सा काटेंगे तो पहले काफ़ी बस आपको जाते हैं आ रही है आपको बनने से और आएगी. ख़राब हो गया तो लगा देंगे ख़राब रंग नहीं है तो पूरा फिर होता है. अब मुझे कुछ जो पेपर्स देखने में चीज यहाँ का भी काट लिया. कोशिश करें अपनी सारे ऐसा ना सकें, बाकी अभी हम मेरा क्राफ्ट उसको ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे क्राफ्ट करना है कुछ चाहिए. और तो बस ये आँख में ठीक थी पर क्राफ्ट करना चाहिए. और इसे आँख कराना था आँख में तक ठीक थी, मुझे लगता नहीं है कि आँख में ठीक है. अगर आप अगर बोलो कि हाँ आँख में ठीक है तो मैं नहीं मान जाऊँगा, लेकिन खराब है जो चीज़ को ये हो चीज़ है तो मैं थोड़ा मुश्किल से कुछ लगाने का मैं लगाने देखूँगा. ठीक है, मैं अभी मैं क्या कर रही नोट्स को ऐसे मेरे को तो मैंने क्या किया, इन नोट्स को इस तरह से एक ही चढ़ा दिया है. तो अभी इन्हें जुड़ना बाकी है, फिर काम करके
उसको हटाते हैं और इस तरह मोटे वाले को यहाँ पे सामने में आपको दिख रहा है ना इस कैमरा में, आई वॉन्ट सी आपको दिख रहा है ना आप आपको दिख रहा है। और फिर करना है ना हम इसमें दूर लगाया जा सकता है। मैंने अगर पाँच में तो फिर को यूज़ किया उसके बाद हमारे जैसे ना ग्लू ग्लू होता है मेरा नहीं इसलिए उससे पाँच लोग यूज़ कर देते छोटा मोटा कुछ नहीं होता तो इसलिए करने में सबसे पहले मैं ध्यान लगाऊँगी बिकॉज। और अगर सूखने से पहले से पेस्ट कर देना अगर सूख जाएगा तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और हम इसके ऊपर से एक और बार ग्लू गन की पेयर चढ़ाएंगे उसने तो बिकॉज तो सर में खुद भी अपने आप पेस्ट हो गया अगर से बताऊँ तो मैंने इसे किसी भी ऐसे का आइडिया लिया है मैंने किसी रेसिपी में नहीं आ रहा है ऐसे ही पता तो ऐसे आपको अगर पता हो मैंने किसका ये आइडिया लिया है तो और आपको बताओ मैंने किसका आइडिया लिया है तो मुझे कमेंट जरूर आना। और हो सकता है कुछ चैनल को देखते भी होगी थोड़ा चैनल फेमस है कमेंट जरूर आना। तो क्या करना है अब एक रह गया है मैंने जो इसका नोटबुक का पेयर बना दिया है सर विल नोट की कैसा लग रहा होगा। अब मैं कम करते हैं फिर सूखने से देते हैं थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है बट एनी वे समझ आ रहा है क्या है आप क्या करना है अभी भी मेरे साथ सूख रहा है तो देखो मैंने सबका अनबॉक्सिंग किया था रात में तो अभी मेरे पास एक सुपर डार्क पेंसिल है क्या नाम है इसका जी हाँ पॉम्प्स का है ऐसे तो इसका समझ आ नहीं गया बट हम इसी से कट करना स्टार्ट करते हैं। ये मुझे आता फिर दोस्तों एम आर पी कट गया है मुझे इससे 91 रुपये पड़ा था ऐसे तो मैं एक दिन मैंने इसे खरीदा जो बस इसकी जब थी मेरे दिमाग में इसे फिर शेयर करूँ उसके अनबॉक्सिंग हो सकता है मैं तो आइडिया दे दी इससे मुझे कुछ इस टाइप का निकला अभी बार ट्राई थी मुझे गूगल पेंसिल चाहिए और कितने सच्ची शौक हो गया डोंट वरी इसलिए दिया मैंने रेडियो और एक शॉप में और निकाल दिखा के रुक जाना और ये इधर ऐसा फंस गया था एंड ये सब ऐसे क्लियर करके आते हैं क्रॉप करके तो आई थिंक ये सूख भी गया होगा अब सख्त होगा सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो पहले हम इस तरह बनाने वाले हैं एक कॉपी लेंगे और मेरे पास ये छोटा सा मोटा पेपर था एंड फटाई पता जब मैं सिर्फ ख़राब क्यों करना जिससे मैं कुछ आइडिया करना चाहती हूँ सो आई विल आइडिया तो हम क्या करेंगे छोटा सा हार्ट अरे मुझे तो हार्ड ड्रॉ नहीं करना था पर तब भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से पहले हम हमारे वाले दांत में हॉट शेप का कोई है या नहीं तो उसी से गलत हो गाइस
आपको दिख रहा नहीं बताएगा, आई डोंट नो मुझे ठीक से नहीं, बहुत जुगाड़ से लगा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ इस बाइक से कि मेरे जहन में क्या है। तो आप सच में आप हंस जाती हूँ, बस मैं बेटी गट्टे के नीचे मोबाइल लगा के बना ली वीडियो। आई डोंट नो कि लोग कैसे जाने कैसे स्केच करेंगे, इसे मैं आपको ना स्केच करके दिखाती हूँ, उसका मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता रहा है वो लोग कैसे करती है। आप पता है ये तो बस ना मैं रिंग लाइट में होती हूँ, यहाँ पर मैंने देखा है एक बार कि रिंग लाइट से लोग आते हैं और मुझे तो रिंग लाइट नहीं मिलता और मिलता है, बस मुझे उस जगह का नाम नहीं पता। उसके भाई ने एक बहन है, एक बड़ी बहन, और काम स्टार्ट कर रहे नया सचिव बनाया है और मुझे भी आजकल लॉक खाना सब को लॉक को करनी लाइक मैं आर्ट कर रही हूँ और क्राफ्ट कर रही हूँ। सो खाना क्या भी मैं अपनी चीज़ें चिपका रही हूँ, मुझे पता है ना लिख देते हैं अच्छे से आई लव यू। मैं लाइफ में इसको ख़राब हो गई बिकॉज मेरे हॉलीडेज की छुट्टियाँ चल रही है, मैंने मॉम लिखा है यहाँ पर बिकॉज मैंने मॉम के लिए क्या सब जो करते थे वो लिख देना था यहाँ पर। तो ऐसा करना हमें पैसे भी कर लेना था पैसे खत्म हो गया दिखा देंगी। मैंने लिया था उसका जैसे जैसे मैंने उसकी की रखी ना डिवर्स मम्मी पापा जाके ले दो, इसलिए बस पैसे कम हो रही है तो इसलिए मैंने उसे कर रही है। मैंने जो ये रखा है मैंने लिया ये भी मैंने पैसे का यूज़ किया अच्छा होते हैं और पैसे जितनी ऑन भी यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा तो भी मुझे भी लग रहे हैं सोचा कि मैं इस चीज़ को यूज़ कर लूँ, तो बाद में किसी और चीज़ को यूज़ कर लेंगे। तो आज भी हम बहुत ज़्यादा बोल रहे कम कम हो रहे हैं तो गर्मी हो रही है। आई थिंक ये वेट लंबी हो जाएगी बॉल इसमें ना बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। ओके तो मैं सोच कर रही थी हाँ मुझे यहाँ पर लगाना था और ये सही यहाँ पर गन ले लें अपने पास में इस पाँच वाली फिर दस वाली भी देखना पड़ता है और किसी भी में डॉग चाहिए उसमें ख़राब हो जाते हैं उसे इन्हें कराया फिर कौन सा पीछे को दिखने आ रहा है सर जाओ तो सिर्फ एक तरफ मैं इसमें किन्नी मैंने क्या कर दिया और मुझे लगता है मुझे इससे पूछना पड़ेगा। आई थिंक मैं सिर्फ मैं पूछ लूँ प्लास्टिक को प्लास्टिक
मजाक में गाइस। ओके नेक्स्ट में डाल सकते हैं। और क्लियर आगे अगर फिर डेकोरेशन पे करना है ड्राइंग से तो ओके और आई हैव अ सीजर ओके गाइस तो आई हैव अ सीजर और मैं करना अब हम ऐसे काटते हैं ऊपर से और इसका छाला तो मेरा मोटा 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 हो अरे खा खा के मोटा हो गया है इसमें पहले गाइस एनीवेज अभी करना आप हम ना कि कैसे बताऊंगा। ओके तो नीचे में हम डेकोरेशन के आइडियाज जो मैंने लिए थे और यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे गाइस और यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले ऐसे पहले हमने जो लिखे हैं एम ओ एच ए और आर आई डोंट नो बीइंग हैप्पी बिकॉज हैप्पी के बिना कोई नहीं काम चलता। अब क्या करना है पीस पीस मतलब खोलना है ओके अब यहाँ पर क्या करना है ना फिर क्रेयॉन चाहिए काम करता है घर का कल के मेरे को सर अभी खुलासा हो रहा है देखो आप आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा मैं जो मेहनत की हूँ आपके सामने घर को हल कर लेती हूँ ऐसे मेरे जींस लगे गए अभी क्या करना है यहाँ पर आपको जो पैसे कर गई वो इस पैसे से अपने फ्रेंड से दो मेरे जो फ्रेंड्स नहीं थे हार्ड डाल दिया जिसमें क्या कर देंगे गाइस ओके आप यहाँ पर सकते हैं और एक काम करते हैं और बना लेते हैं आप मेरा ख़राब हो गया इसलिए मैं अभी छोड़ दूँगा अगर आपको ख़राब नहीं हुआ तो बनाओ भैया मैंने काम कर रहा हूँ मैंने कोई रिश्ता है आपको अगर उसको नहीं दिया तो आपके पास और आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा मिलना चाहिए मैं दिखा दूँ आपको ये गाइस डोंट हेट मी आई विल आई एम नॉट आपको मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल अच्छी अपना सोचता है कोशिश करके हम यहाँ पे लिखेंगे
इसी पैसे की वैल्यू भी रहेगी। आपके बनाने में भी उन्हें बाहर कुछ करना है और अरे यार गाइस, एक मैंने देखा था यूट्यूब पे सच सच, मैं आपको दिखा रही हूँ उस तो है। कैसे करते पढ़ने घर पर तो एनी हम और शाम के लिए गाइस टाइम काफ़ी सबसे खाए तो कहना ये है कि हाँ थोड़ी गाइस बहुत कहना जाने आ रही हूँ कि मैं खुद ही गई थी घर हाँ मुझे सीखना पड़ रहा है अब भी डर लगा मुझे तो बहुत मन निकल रहा है बू लाइया लेकिन अब हम गाने गाएंगे सुना मेरी रूम का कलर हमें सारे कलर्स को लेना है ब्लैक को छोड़ के बिकॉज ब्लैक ना मुझे पसंद है और लाना वाला कलर होता है मुझे उसमें वो जो होता है ना मैम को पसंद है मैं और आई डोंट नो मुझे पता है इस कैप्टन में अच्छा लगे लाइट बस मैं कहा गया ना तुमने क्या डाउट कराए थे तो मैंने कैसे में देखा मेरे लिए डब ड्राइवर था उसके डार्क नहीं उसको लिखा था अगर ऐसे भी मैंने कहा था कि ये डार्क है ठीक है सुपर डार्क और आप बताओ इसकी निगाह को कहाँ से डार्क रखी है मेरे को क्या भाई कुछ नहीं दिखाने के लिए मैंने कहीं दिया हम हर दिन डबल चीज कर रहे हैं और मुझे पता है व्लॉग लंबा होगा मुझे कुछ चीज़ हटाना पड़ेगा चलो हम हमें लिखते हैं हम ए भी लिख देंगे और फिर से हम चीज़ें लिखते हैं कुछ तो मेरे लिए लिख दो और मुझे डाक नहीं चलाना पड़ रहा है और डाक क्या लिख सकते मेरे हाथ की वीडियो बन रही है और पर डे लिख चुके हैं गाइस इतना गंदा आर्ट मतलब इतना मुझे गंदे होना चाहिए था पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ समझ नहीं आ रहा है मुझे ना करना मैं क्या कर सकती हूँ अच्छा मैं आपने अच्छी है अलग क्राफ्ट में तो पता है तो लगे कि हाँ हाय गाइस आई थिंक ये बहुत अच्छा निकला है बिकॉज़ ये हाथ की नहीं है अब मैं क्या करना है हमें
बड़ा सा हेड ड्रॉ करेंगे। उसके थल पर जो बच गया अभी मतलब कुछ ज़्यादा मेरा मुझे बना रही हूँ मेरे बच्चे पे अभी थोड़ा सा एक कार और बताऊंगी और फिर हम घर से छोड़ती हूँ। मैं पता तो नहीं कर पाऊंगी।
इतनी कठिनाई हो रही है गाइस, आप बर्दाश्त तो कर सकते हो, कर सकते हो कुछ तरह। हमें हम स्टार्ट करते थे जो ड्राइंग है, डर आएगा बस लेकिन बाकी लोग भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है जिसके वजह से ये डर आने वाले बस हमारी एयर हो चुका है और आई थिंक जब पसंद आए उसमें आई थिंक हमारे जो लास्ट कार्ड बचा हुआ है बस हम इसे खत्म करके जाने वाले हैं। इसके बाद वाजा उसमें पहुँच मिले और अभी हम आपको और भी कुछ दिखाने सो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने अपना जो हमने पहले फ्रिजेस को कट किए थे तो उसमें भी पाएगी नहीं पाएगा और मैं ये मतलब देखते रहते हैं मैं उसे काटने वाली हूँ और मत ठीक है अरे अरे मैं कि आपने मैं जैसे कितना पता है कि आपने आपको बता दिया होगा आप कैसे बनाने होगा वैसे तो मैंने मेरे हिसाब से कुछ बहुत जल्द ही बताया तो पता नहीं कुछ ऐसा लगेगा और जो मिस कर गया और अगर आपको सब अच्छा लगेगा एक हाथ से काम नहीं करने वाला वन वन मोर अ हार्ट और हम शायद आपका साथ मानती हूँ उससे छोटा भी काट सकते हैं हर हजार छोटा हो जाए ज़्यादा ये मायने नहीं रखता बस तो कैमरा अपने कट कर लेंगे और मैं सिर्फ कैमरे के सामने इसे भी कट कर लेंगे कैमरा के सामने फोकस हो और अगर मैंने मतलब खराब भी हो सकती है मैं चाहती हूँ कि इसलिए हम कैमरा के सामने ही देखते हैं ऐसे में समझ रही हूँ कि जॉइन कर देंगे
तो इट्स माय लास्ट ग्रीटिंग कार्ड और आपके साथ चिपका भी सकते हो, अच्छा लगा ना इस कितने खराब खराब कार्ड्स तो मैं और इन्हें खराब कार्ड क्योंकि ये जो मैं जो बनाया था सेकंड में वो नहीं उड़ मेरे भाई ने इसका घर चलाया नहीं थी क्योंकि उसको उड़ेगा तो पहले तो उड़ता है हमेशा एक नहीं हुआ जो दुनिया बदल दू मैं तो क्या रह सकती हूँ मैंने मुझे समझ कर रहे हैं अपनी लगता है मुझे अपने बैठते हैं यहाँ पर तो वैसे ये सब कर देती हूँ मुझे तो मिलना हुआ था खराब हो अच्छा लगना चाहिए सब अच्छा लगना चाहिए वैसे तो किसी सुनने तो क्या नहीं लग रहा है बस फॉलो कर देंगे इसलिए बस वो कर देना है पैसे जिन की जो अच्छा लगना उनसे अच्छे खराब हो जाता है वैसे हम उससे क्या कर लेंगे और मम्मा को कुछ बता उसके बारे में एक बार उसका इसको क्या होता है सरप्राइज कैसे हाँ बिल्कुल के लिए तो पसंद चला के बिजली के लिए बटन क्या दीजिए क्या दीजिए उन्हें मैं ऐसा काम देखती हूँ क्योंकि मैं कहती मैंने कुछ नहीं तो हंसी आ गया थी उसको करना मैं क्या बताऊँ अब ऐसे मैं थक गई हूँ ओके तो मैंने पोपो ले लिया है और चुका और वैसे चीज़ें देखने लगे हैं कि काम करते तो जितना होगा हम उतनी पैदा करेंगे बिकॉज हम चाहते हैं कि मेरा एक ग्रीटिंग कार्ड खराब हो जाए मैं खराब से ग्रीटिंग कार्ड खराब हो जाए तो मैं पेपर पकड़ेगा नहीं और ऐसे करते हैं मेरा लगा था बनता है और हम चलते हैं और सब बच्चे करते हैं और अभी मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने एक ही क्लिप में साइड बना ली और अभी मुझे करने के लिए हो गया कि हालत बस ख़राब हो चुकी है मैं दिखाता हूँ कि हालत कैसी हुई है कि हालत कैसी हो गई है मुझे इसे साफ़ करना होगा उसका नहीं तो मम्मी आके मेरा मोबाइल से चल निकाल देगी अभी बहुत टाइम हो चुका है ना आउच मैं मुड़ गया मेरा पैर प्लीज हम जल्दी सफाते हैं हाँ सफाई करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस मतलब तो बोरिंग लगता है ना जिसमें अच्छा लगे तो करने का मन भी करता है और ये जो है मुझे करने का मन नहीं करता इसलिए जैसे गुलाबू कलर भी है तब क्या ना मुझे इससे आपसे डार्क दिख रहा है बट मेरे ना वो दिख रहा है लाइट दिख रहा है मैं दिखाऊंगा अगर लाइटी में बट दिखेगा नहीं लाइटी में ओ नो मैं कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है ऐसे
ये स्टैंड करना हमारे क्लीन करने इसका भी मतलब बहुत ज़्यादा भी मुझे क्लीन करनी है काम तो पूछो मत गाइस काम इतना ही है ये आप सुन रहे हो सुन जाओगे अभी कैसे भी निकल गया हम लोगों ने चले तुरंत ही मेरे यहाँ और अभी ना मुझे लगता है मैं क्लीन का जब कर लूँगी तब आपको मिलूँगी सो गाइस ये सामान जो डेकोरेशन का होने वाला है अभी सो लेट्स गो हम चलते हैं डेकोरेशन करने गाइस ये पेस्ट अरे बन गया तो पेस्ट अच्छा लग रहा है आई थिंक ये आपको बटर पर लग रहा है और फिर ऑयल लगेगा और फिर जो यहाँ पे पीस तैयार हुआ है आई मीन जो पीस तैयार हुआ है अच्छे का वो यहाँ पर लगने वाला है सो ब्यूटीफुल सो हम आप इंतज़ार करेंगे देखेंगे जब तक ये ना हो जाए इससे भी तो रेडी हुआ नहीं पूरा बट अभी रेडी होना बाकी नहीं क्योंकि